हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं तो अच्छा हूँ, इसलिए अपने व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। और आज गुरु नानक जयंती है, फिर हमारा कॉलेज भी छुट्टी था, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज गुरुद्वारा चले जाऊँ। रोज़ तो रास्ता में मिलता है, अंदर नहीं जाता हूँ, लेकिन आज जाने का मन है। और वहाँ का बहुत स्पेशल लंगर होता है, तो लंगर भी आज ट्राई करूँगा। लंगर बहुत टेस्टी खाना मिलता है वहाँ पर। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं घर से निकल गया और फिर गेट के बाहर निकला। वाह, डायरेक्ट मेन रोड पे चला गया और ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था, गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। फिर मैं धीरे धीरे चल के जा रहा था वो, और फिर मैंने पुलिस बिल्डर में देखा, ये एशियन गेम का पोस्टर लगा है ऊपर में, देखिए आप सब। और फिर आ गया के फिर नया 5-स्टार होटल के पास जाके मैं बहुत खुश हो गया था। यस, और गुरुद्वारा के पास पहुँच गया मैं। और एक सेकेंड, इसे एक मैंने किसको देख लिया यार, इसको जूम करो। ओ माय गॉड, ये सर हमारी कॉमर्स के हैं, लबान बेंगोली, वो इसमें पढ़ाते थे। फिर मैं आ गया गुरुद्वारा में, वाह, गुरुद्वारा के पास मतलब कि। और यहाँ पे भीड़ देखिए, ओ माय गॉड, मुझे अंदर जाना है। तो गाइस, मैं यहीं में खड़ा हो गया और थोड़ा देर बैठ गया, फिर जूता खोल के फिर अपने जूते को सबमिट करने के लिए चला गया कि भाई सेफ़ रहना चाहिए। फिर मैंने सबमिट कर दिया, फिर मुझे नंबर मिला, 80 मिला या 8 मिला है, हैं पता नहीं गाइस, कोई बात नहीं। फिर अब जूता को टच किया है तो अपना हाथ भी धोना पड़ेगा, तो गाइस मैं चला गया हाथ धोने। फिर हाथ के लिए मैंने नल खोला, नल खोलते ही मैंने पहला हाथ तो धो लिया, हाँ दूसरा हाथ धोने के बाद तो नंबर भी मिला, धुल गया। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं, फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा। ओह, फिर मैं गुरुद्वारा के अंदर घुस गया। फिर मैंने देखा, ओ माय गॉड, राइट में तरफ देखा, राइट में तो लेडीज़ थी, फिर लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में थोड़ा जेंट्स लगे थे, तो मैं लेफ्ट में चला गया। ओ, और फिर जाकर एकदम अच्छा जगह खोज के मैं बैठ गया वहीं पे। ओ, और फिर मैंने अपने अपने फेस को भी देखा, वो फिर एटीट्यूड। सो गाइस, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठा था, फिर मैं बाहर निकल गया प्रसाद लेके। और देखिए प्रसाद में मुझे क्या मिला, ओ माय गॉड, हलवा, वाह। फिर मैं लंगर के लिए चला गया और लंगर में तो लाइन बहुत ज़्यादा था यार, बाप रे गाइस, कम से कम आधा घंटा का जैसा लाइन था मेरा, मतलब पूरा हाफ एन आवर का मुझे मेरा मेहनत था। बाप रे, मैं 5 लाइन लगाए, मतलब सांप के जैसे थी, लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छा था गाइस यहाँ का। और मैं धीरे धीरे करते करते पूरा पहुंच गया, रुक के देखता हूँ। ओह यस, वहाँ से लास्ट लाइन फाइनली। इतनी देरों के बाद हम यहाँ पहुंच गए, लेकिन मोमेंट पे रुका यार, फर्स्ट पर्सन हम ही होगा देख। तो गाइस अंदर, खूब प्रसाद खाया, बहुत खाया मैंने। और फिर लास्ट में हिमांशु भी मेरे साथ ही था। और ये देखिए, ये हमारा खाना ख़त्म हो गया और हम उड़ गए और चले गए इसे
सफाई करने के लिए, मतलब देने के लिए। फिर यहाँ में देखिए पूनम, वहीं का पूनम रोटी बेल रही है और यहाँ पे घी लगा रहे हैं रोटी में, और ये क्या हुआ, और ये रोटी सेक रहे हैं। तो मुझे भी कुछ करना था गाइस, तो मैंने क्या क्या, आप बोलो गैस करो। तो मैं चला गया रोटी बेलने के लिए। आप देखिए वो, क्योंकि मुझे रोटी बेलने आता है, जिसको पता नहीं होगा आज स्टार्टिंग में ही आप सबने देख लिया होगा। फिर मैंने रोटी बेला, खूब अच्छा से बेला, बहुत देर तक बेला गाइस। तो गाइस रोटी बेलते बेलते घर जाने का टाइम हो गया, तो अब मैं रोटी बेल लिया और ये बाहर आ गया, और अब जब हम सब निकल गए रोटी बेलने के बाद, फिर हम कहाँ चले गए, अपने जूता लेने थे। जूता का 80 नंबर या 8 नंबर कोई भी, मैंने अपना स्लिप दे दिया। और फिर ये पहले तो हिमांशु का जूता है, वाह। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे भैया दिखे और एक ही जूता है पूछ रहे थे, तो हाँ बोला एक ही है मेरा जूता, मतलब दो, एक पेयर है, तो मैंने ले लिया। और भाई निकल भाई आगे चल, फिर हिमांशु और मैं चला गया वो स्कार्फ वापस करने, और स्कार्फ वापस करके हम बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद हम पूनम के लिए वेट करने लगे, पूनम खो गई थी गाइस, हम मैं कैमरा जूम कर करके देख रहा था उसे। फिर थोड़ी देरों के बाद वो अपने आप, देखिए ये सब आ गई, पूनम खो गई थी, अभी इधर में मिला है। सबको टाटा बोल के मैं घर जा रहा था, तो मैंने देखा यहाँ में भीड़ लगा है, फिर मैं वहाँ चला गया। फिर मुझे अपना छोटा एक जूनियर मिला, और मैं यहाँ से देखा क्या मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पे तो रसगुल्ला और ब्रेड पकौड़ा मिल रहा था, तो मैं रुक गया कि मुझे भी तो खाना ही पड़ेगा, रसगुल्ला और ब्रेड पकौड़ा। तो फिर मैंने थोड़ा देर वेट किया, ये प्लेट सजा रहे थे, तो इसके लिए रुका मैं। फिर मेरे हाथों में देखिए ब्रेड पकौड़ा भी आ गया और रसगुल्ला भी आ गया, तो मैं रसगुल्ला तो खा गया और फिर घर के लिए निकला। सो गाइस, अब तो मैं घर के लिए निकल गया हूँ, और चलिए ब्लॉग को एंड करता हूँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। Yeah.